दिस इज द बीचेज ओके। हम लोग दीघा विजिट किए थे, दीघा में हम लोगों ने देखा था बहुत अच्छे से, बोट था, बोट के ऊपर में जस्ट लाइक दिस इज द विंच विंचेज ओके। ये विंच ड्रम है और इस विंच ड्रम में यू कैन सी दिस इज द शाफ्ट, ये जो है हमारा शाफ्ट है, शाफ्ट है उसमें विंच हेलो हेलो यस सर सुन रहे हो ना। सो ये जो है हमारा विंच विंच है, यू कैन सी दिस विंच ड्रम। इस ड्रम में हम क्या करते हैं, हम अपने रोप को लपेटते हैं और नेट को भी हम लपेटते हैं, डिपेंड्स अपॉन द विच काइंड ऑफ गियर वी आर यूजिंग ठीक है। रोप्स को हम लोग इसमें कनेक्ट करते हैं। ये हमारा इंजन रूम है, जस्ट इंजन रूम के पीछे में हमारा विंच ड्रम और विंचेज हमारा इंस्टॉल किया गया। सो दिस इज द टू ड्रम, एक सिंगल ड्रम भी होता है उसमें हमारा क्या होगा, एक शाफ्ट में सिंगल ड्रम अटैच होगा। विंड लास क्या है, इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ विंच। विंड लास इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमनली कम्स इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। विंड लास इज अ स्पेशल टाइप ऑफ विंच यूज्ड फॉर हैंडलिंग एंकर चेन। व्हाट इज एंकर, एंकर हम लोग दीघा विजिट किए थे, एंकर देखे थे ना, बहुत बड़ा बड़ा एंकर वो लोग यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, दिस में बी आइदर यूज्ड फॉर शिप आल्सो एंड दिस में आल्सो यूज्ड फॉर द गियर आल्सो। विषय को भी अगर हमें पानी में एक जगह पे स्थिर करके रखना है तो देन वी कैन यूज द एंकर। अगर गियर को हमको एक जगह पे मतलब स्थिर करके रखना है तो वी कैन यूज द एंकर। एंकर मेन ये मतलब हैवी, क्या बोलते हैं उसको, सिंकर भी कैन से, नॉट एंकर सिंकर, मास्टर सिंकर उसको बोलते हैं। एंकर बेसिकली फॉर शिप हम वी आर यूजिंग, गियर में हम लोग यूज करते हैं सिंकर। फ्लोट विल बी ऑन द टॉप ऑन द हेड रोप एंड ऑन द बॉटम देयर विल बी ए सिंकर, but master sinker will be having a more weight compared to the ordinary sinker. So like that we are having a floats, floats may be hamara jo master floats hai they can resist more weight theek hai. So the windlass can be driven with steam or electric or hydraulic, either hum steam se bhi kar sakte hain, electrically bhi kar sakte hain, hydraulic bhi kar sakte hain. Then net and line haulers, जो है net haulers है, net drums है, power block है, triplex है, transport ruler है, line hauler है, fishing reel है, jigging machine है, automatic pole and line fishing rod is there. Okay, so these are the net and line haulers equipments that also we are using for helping in the operation of fishing gear, also assisting in the fishing catch or fish catching. ठीक है, द नेट हॉलर मोस्ट पॉपुलर ऑन ट्रॉलर्स गिल नेटर्स एंड पर्सिनर। नेट हॉलर ट्रॉलर्स गिल नेटर एंड पर्सिनर मीन्स द मोस्ट यूज्ड एंड द मोस्ट नेट हॉलर हैव देयर शेप्स और ड्रम्स रबर वल्केनाइज्ड टू प्रिवेंट वियर एंड टियर एंड टू हैव ए बेटर ग्रिप्स। सो शेप्स जो हमारा स्ट्रक्चर बना रहेगा भी शेप में जनरली रहते हैं और इट्स मिसम रबर, रबर का रहेगा तो वो हमें असिस्ट करता है अच्छे से ग्रिप, एक तो ग्रिप बना कर रखता है और इट आल्सो प्रिवेंट वियर एंड टियर ठीक है। नेट के लिए वो हमें मदद करेगा, नेट को वियर और टियर नहीं होना चाहिए, कोई डैमेज नहीं होने देगा। सो दैट विल हेल्प, दैट विल असिस्ट व्हाइल हॉलिंग द नेट।
Basically, this net hauler fitted on the rails on the decks or hung from the outrigger boom or boom boom से भी लटका करके रखते हैं. Driven करना है कैसे? Mechanically we can operate, electrically we can operate, hydraulically we can operate. Someone is playing music. कौन music play कर रहा है? Then net drum, we are using also net drum. So this is used in gill netting, trawling and seining. Gill netting, trawling and seining. Differ, this net drums differ from net hauler in such a way that entire net is wound on the drum. Net drum mein kya hai? Entire net will be lapet sakte hain hum drum ke upar. Most net drums are fitted at the stern, that means aftermath portion of the ship. Net drums not only reduces the labor in setting and hauling the gear, but also prevent the sagging or falling the gear during the operation. What do you mean by setting? यहाँ पे हम बोल रहे हैं net drum not only reduces the labor in setting. Setting क्या है? What do you mean by setting? Hello? Hello. Yes, sir. ये सेटिंग क्या है? What do you mean by setting? Hello. अरे हाँ या ना बताओ, वो जानते हैं तो बताना है इसमें क्या है. What do you mean by setting? मालूम है या नहीं है? नहीं पता सर. अच्छा ठीक है. No, sir. 2019 बैच. No, sir. वाह भाई, नेट को हमको ऑपरेट करना है तो व्हाट वी विल डू, से फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग ए ट्रॉल नेट. सो ट्रॉल नेट को हमको ऑपरेट करना है पानी में. पानी में ऑपरेट करना है तो फर्स्ट ऑपरेशन जो आएगा नेट का, दैट इज कॉल्ड एज सेटिंग. उसमें क्या करते हैं हम? नेट को सेट करते हैं. सेट करते हैं दैट मींस पानी में हमको रिलीज करना है नेट को, तो हम क्या करेंगे? सीधा उठाएंगे और डंप कर देंगे? नहीं. हम क्या करेंगे, जो लास्ट पोर्शन ऑफ द नेट है, ट्रॉल नेट का लास्ट पोर्शन ऑफ द नेट क्या है? दैट इज द कॉर्ड एंड. वो कॉर्ड एंड का जो पार्ट है उसको हम कॉर्ड एंड को क्लोज करेंगे और स्लोली स्लोली पानी में हम रिलीज करेंगे. तो पहले कॉर्ड एंड जाएगा पानी में, फिर उसके बाद नेट का बेली पोर्शन जाएगा, फिर उसके बाद नेट का जो है हेड रोप जाएगा, फुट रोप जाएगा, फिर दोनों साइड का विंग जाएगा, फिर ग्रिडल जाएगा, फिर आएगा ऑटर बोर्ड्स. तो ऑटर बोर्ड्स को हम लोग कनेक्ट करेंगे और एक साथ राइट विंग और लेफ्ट विंग दोनों का जो है एक साथ पानी में रिलीज करेंगे. और धीरे 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 जो वार्प का जो लेंथ है वो हम विंच ड्रम से रिलीज करेंगे. द लेंथ ऑफ द वार्प वी आर रिलीजिंग इनटू द वाटर विल टेल हाउ मच डेप्थ द फिशिंग गियर ऑब्टेन्ड. जितना लेंथ टोइंग वार्प्स का हम रिलीज करेंगे उतना वो डेप्थ नीचे में जाएगा. दैट रेशियो इज देयर, 1:5 और सम रेशियो इज देयर. दैट मींस 1 मीटर हम ये कर रहे हैं, मतलब 1 मीटर डेप्थ अटेंड करना है तो 5 मीटर लेंथ हमको ये वार्प हमको रिलीज करना है. सो दैट रेशियो इज देयर. ओके, वी हैव टू मेंटेन. सो दैट इज कॉल्ड एज सेटिंग. सेटिंग हो जाएगा
then next operation is coming hauling. Not hauling, yeah, hauling. No, 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 not hauling, towing. Hauling तो बाद में है. Setting के बाद जब हमारा net desired depth में चला गया, then we have to tow. Towing करना है. Towing जब हमारा खत्म हो जाएगा, then hauling will come. Towing में क्या करते हैं? Fishing gear को boat के साथ में हम लोग tow करते हैं. मतलब पानी में हम उसको ड्रैग करते हैं, खींचते हैं. जब टोइंग ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, देन वी विल गो फॉर हॉलिंग द गियर. जब हम सफिशिएंट कैच आ जाएगा कॉर्डिन में, तब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, फिशिंग गियर को हॉल करेंगे. हॉलिंग में क्या है, हमें यहां पे ध्यान रखना है, जिस तरह से सेटिंग में लास्ट पार्ट ऑफ द गियर का हमने रिलीज किया था पानी में, हॉलिंग में क्या होगा, जो फर्स्ट पार्ट होगा हमारा फिशिंग गियर का, उसको हम लोग हॉल करेंगे. ठीक है, सो दैट इज द एंड टू प्रिवेंट द सेजिंग, मतलब फंसना उसमें नहीं जो है, मतलब उसको फंसने से बचाता है, दैट इज द फंक्शन ऑफ एंड एडवांटेज ऑफ द नेट रम. देन पावर ब्लॉक प्राइमरीली मींट फॉर यूज इन पर्सिनिंग बट सब्सिक्वेंटली एक्सटेंडेड टू ट्रॉलिंग एंड ड्रिफ्ट नेटिंग, बट मोस्ट कॉमनली इट इज यूज्ड इन पावर दिस पर्सिंग power block. It is a lever shaving device. Okay, the pursing power block is so designed as to pass the bunched up webbing, cork, weights and ring through the sieves during operation. It is a large shape powered fish swimming V-shaped made of aluminium along with zinc and driven hydraulic. So this we can see, ये तो छोटा दिख रहा है, but actually ये बहुत बड़ा होता है. ये देख रहे हो, बहुत बड़ा रहता है, and that is connected to use this derrick. यहाँ पे हंग रहेंगे, ठीक है, ये थोड़ा advanced version है, but ये जो है पुराना version. इसी से हमारा ropes, lines, then हमारा net, सारा का सारा हमारा इसमें guide हो गया कि वो pass होता है. So that is the function of the power rope. It also assists in lifting the weight. क्योंकि हमारा पर्सिंग में जो है मछली का कैच जो है इतना होता है, जो अगर आदमी चाहे अपने पावर यूज करके उठाए तो उसको भाई 3-4 दिन लगेगा उसको नेट खाली करने. That's why we are using this machine power, this power block. Okay, power block. Then we are also having the triplets. Triplets, triplets जो है so net winch used in Pershing. So instead of power blocks, we are using these triplets. Function is the same. Then also we are having the line hauler, especially used in hauling the lines, and also fishing reels used in line fishing, especially for single line reel fishing or single line trolling. What is trolling? T-R-O-L-L-I-N-G. Trolling. T-R-O-L-L-I-N-G. Trolling. T-R-O-L-L-I-N-G, trolling. What is trolling? कोई नहीं बोल रहा है, पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं हम T-R-O-L-L-I-N-G, trolling? Yes, sir. हाँ बोलो. T-R-O-L-L-I-N-G, trolling. So moving gears. हाँ. Fishing gear वो तो समझा, लेकिन किस चीज के लिए यूज करते हैं, किसको पकड़ते हैं ट्रोलिंग लाइन से? मूविंग गियर. हाँ ठीक है, मूविंग गियर, बट किसको कैच करते हैं? हमने पढ़ा तो बहुत सारे फिशिंग लाइन होते हैं सही सर. टूना सर और बॉटम टूना. यस टूना, वी आर कैचिंग अ टूना. ठीक है, देन जिगिंग मशीन, वी आर आल्सो यूजिंग द जिगिंग मशीन, स्पेशली स्क्विड जिगिंग. सो स्क्विड जिगिंग में क्या है, अगर हम मैन्युअली
मैनुअली हर जिग पे जाकर के हम अटैच करते रहे अपने लाइंस पे, तो इट विल टेक टू मच टाइम. सो टू रिड्यूस द लेबर, टू रिड्यूस द मैन पावर, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द मशीन, स्क्विड जिगिंग मशीन. सो मशीन रहेगा तो फटाफट हम लाइंस में दिस स्क्विड जिगिंग लगाते चले जाएंगे. फटाफट हमारा मशीन जो है उसमें लगाते जाएगा, तो हमारा टाइम कम हो जाएगा एंड इट विल असिस्ट इन द फिशिंग. ठीक है, देन ऑटोमेटिक पोल एंड लाइन फिशिंग रॉड इज आल्सो देयर, बट ये सब उतना अभी यूज नहीं होते हैं, बट इट इज आल्सो देयर. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द डेक फिटिंग इक्विपमेंट्स व्हिच विल हेल्प, व्हिच इज हेल्पिंग द ऑपरेशन ऑफ द फिशिंग गियर्स एंड ऑल्सो असिस्टिंग द फिशिंग नेट्स and also assisting the catch of the fish. So that is all about the fish deck fitting equipments. ठीक है, और कुछ पूछना है तो पूछो फिर, otherwise. So this topic was a common for both batch 2018 as well as 2019. That's why I took a common class for both the batches. I think 2018, this fishing technology course, and the 2019 is the fishing craft technology. ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछो, otherwise we can discontinue. नेक्स्ट हमारा 2019 बैच के लिए जो होगा, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द फिशिंग वेसल्स एंड द इंजन्स व्हिच वी आर यूजिंग, द टू टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर वेरी सून. होगा तो हम आज भी कंडक्ट कर सकते हैं, बट आई हैव टू सी, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास. बोलो. यस सर. कुछ पूछना है पूछो, अदरवाइज सेशन क्लोज किया जाए. बैच अगर कुछ टॉपिक का जो नोट्स नहीं मिला है तो हमें रिमाइंड करें, तो हम नोट्स उनको प्रोवाइड करें. सर लास्ट क्लास का नहीं मिला है. सर लास्ट क्लास क्या था? सर फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी का. फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी, हाँ ठीक है, अभी क्राफ्ट में है, फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी दे दूंगा. यस. और क्वेश्चन है कुछ तो पूछो, नहीं तो बंद करें. No question. No sir. ठीक है, तो close करें. Yes sir. ठीक है, चल. Thank you sir. Thank you sir.